बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, तकरीबन हर साल लाखों लोगों को सांप डस जाते हैं। WHO के मुताबिक हर साल तकरीबन 54 लाख लोगों को दुनिया में सांप काट जाते हैं, जिनमें से तकरीबन आधे सांप जहरीले होते हैं और इनमें से तकरीबन 80,000 लोग मर जाते हैं और सबसे ज़्यादा अमवात हिंदुस्तान में होती हैं। बाज़ जगहों पर तो सांप को देखते ही मार दिया जाता है, जबकि बाज़ जगहों पर लोग सांपों को पूजते भी हैं। अगरचे हम जैसा कोई आम शख्स इन सांपों को देखते ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे लोगों की भी इस दुनिया में कमी नहीं है जो कि इन सांपों को पकड़ते हैं, या फिर बाज़ तो ऐसे भी हैं जिनके सांप भी दोस्त हैं। ऐसी ही कहानी इंग्लैंड के रहने वाले एक शख्स की भी है। इंग्लैंड के शहर हैम्पशायर का रहने वाला ये शख्स डैन ब्रेंडन सांपों को पालता है और हत्ता के सांपों के साथ खेलता, खाता और सोता भी है। इस कहानी की इब्तदा तब होती है जब यह 15 साल का एक लड़का था। तब उसने अपने वालदेन को बताया कि उसे जानवर बहुत पसंद हैं और वो किसी जानवर को पालतू जानवर के तौर पर रखना चाहता है। एक बच्चे का किसी जानवर को पालतू जानवर के तौर पर रखने की ख्वाहिश करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस लड़के का मुतालबा कुछ मुख्तलिफ था। उसने अपने वालदेन से कहा कि उसे सांप बहुत पसंद हैं और वह चाहता है कि एक सांप को अपने घर में पालतू जानवर के तौर पर रखे। उसके वालदेन ने जब अपने बेटे की यह ख्वाहिश सुनी तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। उनने इनकार करना चाहा, लेकिन अपने बेटे की ज़िद के आगे उनकी एक न चली और आखिर उनने इसे एक सांप को एज अ पेट रखने की इजाज़त दे दी। उन्हें क्या मालूम था कि उनका यह फ़ैसला उनको सारी उम्र का पछतावा दे जाएगा। उनकी इजाज़त देने पर ब्रेंडन अपने घर में सांप लाया, जो कि उसका बहुत जल्द ही दोस्त बन गया, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं था। बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि इस सांप की इसके साथ दोस्ती हो चुकी है। उसका अब इस सांप के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा था और अब उसके दिल में मज़ीद सांपों को अपने घर लाने की ख्वाहिश पैदा हुई। अब वो बड़ा हो चुका था, इसलिए अपने वालदेन से इजाज़त लेने की भी उसे कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं थी। उसने कई तरह के सांप अपने घर में लाए, जिनमें एक अजदहा अफ्रीकन रॉक पाइथन भी था। इस सांप को जब ब्रेंडन अपने घर लाया तो ये महज कुछ ही दिनों का था और अभी अभी अंडे से निकला था। अब ब्रेंडन तकरीबन 31 साल का हो चुका था और पिछले 16 सालों से वो सांपों को कामयाबी से पालता रहा था। न सिर्फ सांप बल्कि अब उसके घर में तकरीबन 12 जहरीली मकड़ियाँ भी मौजूद थीं। इनके अलावा उसके घर के इस छोटे से बेडरूम में मौजूद सांपों की तादाद अब 10 हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका इन सांपों के लिए प्यार और मोहब्बत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक आम शख्स इन सांपों को देखकर फौरन से भाग जाए, लेकिन इस शख्स को इन सांपों से कभी भी खौफ महसूस नहीं हुआ था, अगरचे उसको मालूम था कि उसके कुछ सांप इतने बड़े और ताकतवर हो चुके हैं कि महज उसको जकड़ कर ही मार सकते हैं। लेकिन वो फिर भी उनसे वैसे ही बर्ताव करता रहा जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। हत्ता कि ये शख्स इन ख़तरनाक सांपों को अपनी गर्दन के गिर्द लिपटने देता था। इनमें से एक सांप इतना बड़ा हो चुका था कि अब वो एहतियातन उसको अपनी गर्दन के गिर्द लिपटने नहीं देता था। इसके अलावा ये सांप कुछ हद तक गुस्से वाला भी था और कब वो क्या कर दे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसने अपनी माँ को एक दिन उसके बारे में बताया और ये भी कहा कि वो अपने गुस्से के बावजूद मेरे साथ बड़ी ही अच्छी तरह पेश आता है, लेकिन चूंकि ये अब बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए मैं उसको खुद से मुनासिब फासले पर ही रखता हूँ। 25 अगस्त की उस तारीख रात उस घर में ब्रेंडन और उसकी माँ भी मौजूद थी। उसकी माँ ने बाद में बताया कि उस दिन वो किचन में मौजूद खाना बना रही थी कि मैंने अपने बेटे के कमरे में किसी चीज़ के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ सुनी। मैंने सोचा कि शायद मेरे बेटे के हाथ से एक्सरसाइज करने वाला डंबल या फिर कोई और चीज़ उसके कमरे में गिर गई है। वो अपने बेटे का पता करने के लिए उसके कमरे में गई तो आगे उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसने देखा कि उसका बेटा बेहिस व हरकत फर्श पर औंधे मुँह पड़ा है। उसने उसे बहुत बुलाया लेकिन वो ना बोला। उसको डर लगा कि कहीं उसके बेटे को कुछ हो ना गया हो, इसलिए उसने एम्बुलेंस को कॉल कर दी। इसी असना में उसने देखा कि वही सांप जिसके बारे में उसके बेटे ने उसे बताया था कि मैं उसे अब खुद से दूर ही रखता हूँ, अपने पिंजरे से गायब है। उसने उसे इधर उधर ढूंढा तो वो उसे पास ही मौजूद एक कंपार्टमेंट के नीचे छुपा हुआ मिला। इतनी देर में एम्बुलेंस भी पहुँच चुकी थी और रेस्क्यू वाली टीम ने इस सांप को उठाकर वापस उसके पिंजरे में डाल दिया। उनने ब्रेंडन को चेक किया तो ब्रेंडन का जिस्म ठंडा पड़ चुका था और उनने उसकी माँ को बताया कि उसका बेटा अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहा। उसकी माँ के लिए यह सदमा बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन अभी यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता था कि उसके बेटे की मौत इसी सांप की वजह से हुई है। उसकी लाश को उठाकर अस्पताल ले जाया गया ताकि उसका पोस्टमार्टम किया जा सके। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को यह पता करने में ज़्यादा देर न लगी कि इस शख्स की मौत का जिम्मेदार यही सांप ही है, क्योंकि इस शख्स के फेफड़े दबाव की वजह से फट चुके थे, हत्ता कि उसकी एक पसली भी टूटी हुई थी। इसके अलावा उसके बाकी जिस्म में भी दबाव की वजह से वेन्स के फटने और सांस ना ले पाने के निशानात मौजूद थे। उसकी मौत के बाद एक रेप्टाइल एक्सपर्ट ने उसके घर का दौरा किया और उसे यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन ना आया कि इस शख्स ने सांपों को बड़ी ही अच्छी हालत में रखा था। उसने बताया कि ऐन मुमकिन है कि इस सांप ने जानबूझकर अपने मालिक को नहीं मारा, बल्कि वो मोहब्बत से ही अपने मालिक के गिर्द लिपटा, लेकिन उसकी ताकतवर गिरफ्त के आगे ब्रेंडन की एक न चली। अगरचे ब्रेंडन भी सांपों की डीलिंग में एक्सपर्ट था और उसे पता था कि सांप लिपट जाए तो उसे कैसे वापस अलग करना है, लेकिन आज बदकिस्मती से वो नाकाम रहा और यूं उसकी जान चली गई। लेकिन किसी सियाने की बात एक बार फिर से सच साबित हुई कि सांप इंसान के कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। ऐसी ही इस लड़की की भी दास्तान है, लेकिन इसकी कहानी एक खौफनाक खतरे की घंटी से कम नहीं है। बेशक आप अपने पालतू जानवर पर कितनी ही प्यार और मोहब्बत क्यों ना लुटा लें, वो जानवर जो कि जंगल में रहते हैं वो अक्सर औकात अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। और ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ भी हुआ, जो कि हर रात एक ही बेड पर अपने सांप के साथ सोती रही, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर शायद ही कोई इंसान दोबारा सांप को पालतू जानवर के तौर पर रखने की बेवकूफ़ी करे। और आज की वीडियो में इसी बारे में हम नाजरीन को आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाजरीन, ग्रामीण कहानी की इब्तदा तब से होती है जब ये लड़की एक पालतू जानवर को घर लाने का फ़ैसला करती है। चूँकि ये लड़की खुद को बेहद यूनिक और ख़ास समझती थी, इसलिए वो पालतू जानवर के तौर पर भी कोई बिल्ली, कुत्ता या तोता घर नहीं लाना चाहती थी। वो कुछ इंतहाई ख़ास चाहती थी। इस लड़की ने ऐसे अजीब व गरीब पालतू जानवरों के बारे में बहुत पढ़ा और इंटरनेट पर तकरीबन हर उस शख्स की वीडियो देखी जिसने शेर, भालू, रीछ या फिर अजदहा घर में पाल रखा था। आखिरकार इस औरत ने एक बड़े सांप को घर में लाने का फ़ैसला कर लिया। ये औरत अपने सांप से बेहद मोहब्बत करती थी और वो जिधर भी जाती इस सांप को हमेशा अपने साथ लेकर जाती थी, हत्ता कि ये दोनों इकट्ठे सोते भी थे। यह तो आगे भी नहीं पहुंचाएगा।